सो हेलो पबजी के चैनल पे लोगों के स्वागत है गाइस। जैसे सभी का दो गेम लेके एक और वीडियो में आज अपन आ चुके हैं पायलट प्लाजा में। और देखना इस वाले मैच में मैंने स्नाइपिंग करी है और बहुत तगड़े वाला फंसूंगा मैं, लेकिन इन द एंड या फिर एट द एंड जो भी तुम बोलना चाहो स्नाइपिंग हो जाती है यार ठीक ठाक। देखो जैसे मैं यहां पे आया ना, मुझे नीचे एक बंदा दिखा और साइड मुझे M4 दिख चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि ये पहले लपक ले और ऐसा ही हुआ। ये पहले लपकता तो नहीं पर ये मुझे भगाता बहुत। देखो मुझे लगा इस तरफ आएगा ये, पर ये ऊपर ही पहुंच जाता है और इसको ऊपर भी बेचारे को ढंग से गन मिलते ही नहीं है। ढंग से क्या मिलती ही नहीं है गन इसको। ऐसा मुझे लगा था पर इस बंदे के पास यार गन निकलती है। और देखो ये जिस तरह से छुप रहा था ना, ऐसा बंदे तभी करते हैं, या तो उनके पास गन नहीं होती या फिर एस्टल के होती है ना, एस्टल के होती तभी भाई ऐसे स्ट्रॉन्ग टीपी भी लेते हैं। अब जो इसके मैंने थोड़ी देर खिल्ली उड़ाई, इसके टीममेट तो आते नहीं। मेरे टीममेट ने बोला कि भाई टीममेट कहां पे, वरना इतनी देर में वेट नहीं करता और मेरे से वेट नहीं होता भाई, मेरे को मारना पड़ता इस बंदे को। और देखो साइड से बग्घी पकड़ते हैं, मतलब बग्घी पकड़नी पड़ती यार, दो ही बंदे बैठ पाते हैं। मैंने अपने एक टीममेट को बैठाया और हम आ जाते पता है कहां पे। अब वीडियो में आगे मैंने स्पेल गाइस मैं आपको वन एक्सपर्ट ऐप या फिर वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा। तो गाइस इस ऐप के थ्रू आप लोग लाइव क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और बहुत सारे मैचेस देख सकते हो कभी भी अपने फोन पे। और यहाँ पे आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपकी जो भी टीम होगी ना, मतलब जो भी लाइव मैच चल रहे होंगे उनके आपको अपडेट मिलते रहेंगे यहाँ पे। और इतना ही नहीं यार, यहाँ पे मैचेस देख के ना आप लोग बहुत सारे मनी प्राइजेस भी जीत सकते हो। वन एक्सपर्ट का एक नया फीचर है जिसका नाम है रिस्क फ्री बैट। यहाँ पे क्या होगा, आपको बैटिंग करनी पड़ेगी किसी भी टीम पे कि हाँ भाई ये टीम ऐसे परफॉर्म करेगी, और अगर आपकी बैटिंग जो आपकी प्रेडिक्शन है वो गलत निकलती ना तो भी आपको आपका रिफंड वापस मिल जाएगा। मान लो आपने $5 की बैटिंग लगाई थी तो आपको $5 वापस आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी बैटिंग करने के लिए, और थर्ड स्टेप होगा आपको अपना रिफंड वापस ले लेना है। मतलब अगर बैटिंग हार जाते तो आपको आपका रिफंड आपके अकाउंट में वापस मिल जाएगा। और इतना ही यार, वन एक्सपर्ट आपको 100% बोनस देता है आपके पहले डिपॉजिट पे। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप लोग इस ऐप पर रजिस्टर कर सकते हो, और अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा तो आपको 130% का बोनस भी मिल जाएगा आपके अकाउंट पे। अब यहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा बंदा भी नॉक हो जाएगा, पर मेरा ना पिंग थोड़ा हाई था, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा हाई था, तो बंदा काफी देर बाद जाके नॉक होता है। एक किल मैंने यहाँ पे सिक्योर करा और दूसरा किल सिक्योर होने के लिए मैंने लगा दिया। मतलब एक बंदे को नहीं, बोट को मैंने नॉक कर दिया। देखो यहाँ पे उसका टीममेट से रिवाइव करने जा रहा था, पर यार बंदा निकल गया मेरे हाथों से। मैंने सोचा अपने टीममेट को रिवाइव कर लेते, कतई पैर पड़ रखा है यार, करना पड़ेगा टीममेट को रिवाइव। टीममेट रहेंगे तो भी मैं जिंदा रहूंगा क्योंकि सामने चार के चार बंदे हैं। अब जो भी मेरा एक और टीममेट दूर से गाड़ी लेके कहीं ना कहीं से आ जाता है, और अब क्या बोला मैं, अब हमने सोचा कि इन बंदों को दूर से देखते हैं, क्या पता एक दोस्त पर हमारे पड़ जाए, क्योंकि सामने वो जो बंदे मैंने नॉक करे ना वो रिवाइव हो चुके हैं। अब ये बंदे देखो स्प्रे काफी कमाल का मारे थे और पता नहीं कहाँ पे छुप रहे थे, मतलब उन घरों की तरफ मुझे एक भी बंदा नहीं दिखा। स्कोपिंग मैंने जब करके देखा तो मैंने सोचा भाई अपनी मिरांडो पे स्मोक करना पड़ेगा वरना ये बंदे निपटा देंगे बड़े इजीली। मैंने स्मोक करा, हम गाड़ी में बैठते हैं और हम निकलते हैं वहीं पे, मतलब इन्हीं बंदों के पास, और देखना भाई हम दोनों यहाँ पे नॉक हो जाएंगे पर हमारा एक टीममेट हमें बचा लेता है। मेरे भाई पूरी स्क्वाड होते हैं यहाँ पे, तीन बंदे तो गाड़ी में बैठे थे और एक बंदा एस्टल के वाला आया। जैसे एस्टल के वाला आया ना मैं समझ गया भाई चलो अब तो नॉक होने वाला, क्योंकि मेरी हेल्थ ऑलरेडी आधी हो चुकी थी। अब मेरा एक टीममेट आ जाता है और पता नहीं उसने ऐसा क्या कर दिया कि ये बंदे मतलब मारने आते नहीं, पूरा फिनिश करने आते नहीं। अब जो भी मेरे टीममेट ने मेरे को रिवाइव कर दिया, और अब देखना क्या ही मतलब गजब तरीके से बंदे को मैं मारने वाला हूँ। और ये वाला सीन देखकर आपको जरा सा भी मजा आया ना, तो मतलब जरा सा भी ज्यादा मजा नहीं चाहिए, जरा सा भी मजा आया ना तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग नए हैं तो। और अगर पुराने हो तो भाई तुम्हें तो कोई बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है भाई अपनी हर दूसरी वीडियो में ये वाले सीन होते रहते हैं। अब देखो मैं नीचे बैठता हूँ मिरांडो में, और मैं देखो जोन में आ जाता हूँ, और बीच में ना मैंने भाई मिरांडो ठोक दी थी देख सकते हो तुम, और अब हम निकलते हैं बंदों की तरफ। पर देखना ये जो मैंने ठोकी है ना गाड़ी, ये मेरे को बहुत महंगी पड़ने वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये गाड़ी फटी किस लिए नहीं, मतलब इन बंदों ने इतनी जल्दी थोड़ी ना देख लिया हमको कि हाँ भैया उतर गए गाड़ी पे स्प्रे मत मारो कुछ भी यार, अगर मैं इसमें बैठा होता ना तो पक्का फट जाती है। अब जो भी ये बंदे मेरे को पूरा फिनिश करने वाले थे, दो तीन बंदे वहां से स्प्रे मारे थे, पर इनकी बस की नहीं हो भैया मेरे को पूरा फिनिश करना है, और इनकी गलती नहीं भाई पबजी मोबाइल लैटे में ना नॉक से ज्यादा फिनिश करने में टाइम लगता है। अब जो मेरा टीममेट मुझे रिवाइव तो कर देता है, और मेरा टीममेट बोलता है कि इस वाले घर की तरफ आ जाते हैं, वो बंदे अगर हम पे रश भी करेंगे तो हमारे पास अच्छा खासा कवर रहेगा, तो हम यहाँ पे तो आ जाते हैं। काफी देर में टीपी भी ले रहे थे कि क्या पता वो बंदे रश कर दे, पर ये तो आते नहीं, यहाँ पे हमें और बंदे मिल जाते हैं। सुनो
और सच में यार मेरे कंट्रोल्स के साथ ना गलती हो रखा है, मतलब कुछ ज्यादा गलत। देखो अगर मैं पिक करूंगा तो मेरे सामने वो इमोट अट जाएगा, अगर मैं क्राउच करूंगा तो मेरे सामने पेंट अट जाएगा, और मैं शूट करूंगा तो तुम्हें पता ही है हेड जस्ट अट जाएगा। भैया मेरे से दुखी बंदा मुझे नहीं लगता भाई कंट्रोल्स के मामले में कोई है, और तुम सोचते हो भाई हर वीडियो में बोलता हूँ लेकिन क्या करो यार दर्द इतना ज्यादा है। यहाँ पे तो मैंने हक दिया एक तरह से बहुत तगड़े वाला, और बहाना मारे तो मेरा पिंग देखो एकदम से 500-600 पहुंच जाता, तो यार इस बंदे को मैं नहीं मार पाया। अब देखो यहाँ से मैं थोड़े 7 के एम उठा लेता हूँ, और अब एक और बंदा आता है, और मेरा जैसे पिंग थोड़ा कम आता है ना देखना क्या ही गजब तरीके से बंदे को नॉक करा मैंने। मेरा टीममेट यहाँ पे इस बंदे पे 100 गोली बरसा देता है, और देखो सामने की तरफ भी एक बंदा होता है और मैं सिर्फ एक गोली का बचता हूँ, और देखना कितनी रिस्की मोली थी यार ये, मतलब इस बंदे को एक हेडशॉट क्या आधा हेडशॉट गोली ठाक के भी मेरे सर पे फेंक देता ना तो मैं नॉक हो जाता। बट यू गाइज नो कि जहाँ पे बल काम नहीं आता वहाँ पे अकल काम आती है, और यहाँ पे मेरी अकल अच्छी तरह काम आ जाती है। अभी मोली में घुस जाता मैं, अब जो भी इसका क्रेट मैंने लूटा भाई के पास लेवल 3 का हेलमेट था, M24 भी थी, पर मेरा टीममेट बता दे कि वहाँ पे एक और क्रेट है वहाँ पे ओम है, तो M24 को मारो लात, और मैं जाता वहाँ पे ओम लेने। चलो इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया, और मैं ना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि हाँ मैं पक्का इस बंदे को नॉक कर दूंगा। अब मैं क्यों कॉन्फिडेंट नहीं था ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि मैं क्यों कॉन्फिडेंट नहीं था, और जिन्हें नहीं पता है ना और रेगुलर व्यूअर बनना चाहते तो यार नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो फ्री है, बिल्कुल टैप कर दो सब्सक्राइब हो जाएगा, राइट साइड में एक बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर देना। अब देखो कुछ देर पहले मैंने बताया था ना कि हमारी मिरांडो जल गई थी, उन बंदों ने फोड़ दी थी, अब उन बंदों की बारी है। अब देखो पैदल पैदल हम इस तरफ तो आ जाते हैं, मतलब यहीं पे थे वो बंदे, पर हमारे अलावा भी बस 2 ही बंदे बचते हैं। अब मुझे नहीं पता ये वही बंदे या फिर क्या सीन है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि 2 बंदे अलाइव। अब देखो मुझे वो आसपास तो दिख नहीं रहे थे, हम जोन में थे, मैं इस वाले घर के सबसे टॉप पे पहुंच जाता हूं। काफी देर मैंने मतलब वेट करा कि भाई कोई बंदा मुझे दिख जाए, स्कोपिन वगैरह करा, एक भी बंदा नहीं दिखा, पर इन दी एन फिर एट दी एंड जो भी कहो मुझे कि यूएस दिखती देखना चाहती हुई। मेरे ख्याल से आप लोगों को यूएस दिख चुकी होगी, मुझे तो दिख चुकी थी, उस लाल वाले घर के पास से जस्ट गई थी, मुझे पता था वो लोग जोन में ही जाएंगे और वो शायद हल्का से जोन में, और बिल्कुल ऐसे होते हैं बंदे वहीं पे गाड़ी रोक लेते हैं, लेकिन रोकी थी इन्होंने अभी तक। मैंने एक शॉट मारने का ट्राई करा पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, और पूरे पूरे 2 बंदे थे, मैं समझ था पूरी टीम ही होगी इनकी। और अब देखना यार अब तुम्हें पता चलेगा मैं किस चीज से गुजर रहा हूं। देखना यहां पे पहले मैंने स्कोपिंग करा, ये बंदे मुझे नहीं दिखे, इन्होंने पिक दिया नहीं। कुछ देर बाद देखना मैंने स्कोपिंग करा और देखना बिल्कुल हेड पे था यार मेरा एम, और गोली अब जाके निकलती है। और तुम में से कुछ ही लोग सोच रहे होंगे कि भाई पिछली वाली गोली क्यों नहीं निकाली तुमने, मतलब क्यों शूट नहीं करा। अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, वो जो रेगुलर व्यूअर्स है ना वो बोर हो जाएंगे। अब देखो मैं गाड़ी में बैठता हूँ और इस शैक पे मैं रश करता हूँ। छत्तीस सौ गोली मारने के बाद फाइनली ये बंदा नॉक तो हो जाता है। अभी देखो इसके टीममेट को भी मारना था, और 3600 गोली कौन चला यार, तो मैंने सोचा भाई ओम ही चला के देख लेते हैं, पर देखना मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हूँ ओम चलाने में, पता नहीं क्यों क्रॉस एयर के साथ, पर मारता हूँ ओम से ही। Marked a location.